नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के फर्स्ट लुक और इस फिल्म के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे फैंस का इंतजार खत्म हुआ और आज दोस्तों सलमान खान ने इस फिल्म की जो शूटिंग है वो स्टार्ट कर दी है। साथ ही दोस्तों उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इस फिल्म के सेट से एक फोटो भी शेयर की है जिसमें कि दोस्तों वो हमें लंबे बालों में अपने हाथ में अपना ब्रेसलेट पहने और हाथ में एक मोटी सी रॉड पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस लुक को काफी ज्यादा पसंद ऑडियंस की तरफ से किया जा रहा है और इसी के साथ दोस्तों फाइनली आज फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग स्टार्ट की जा चुकी है। साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में पूजा हेगड़े ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक फोटो पोस्ट की थी जिसके जरिए उन्होंने हिंट दिया था कि वो भी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। आप सभी को बताते चले दोस्तों कि फिल्म कभी ईद कभी दिवाली एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि दोस्तों साउथ की फिल्म वीरम का ऑफिशियल हिंदी रिमेक है। इस फिल्म में दोस्तों हमें सलमान खान के साथ साथ पहली बार पूजा हेगड़े बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगी। साथ ही इस फिल्म में दोस्तों हमें आयुष शर्मा, वेंकटेश और जहीर इकबाल भी नजर आने वाले हैं। वहीं शहनाज गिल की भी एंट्री फिल्म में हो चुकी है। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं फरहाद सामजी। वहीं फिल्म को प्रोड्यूस किया है खुद सलमान खान ने सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले। वहीं फिल्म में दोस्तों हमें कई सारे जबरदस्त सॉन्ग्स भी सुनने को मिलने वाले हैं जिनका म्यूजिक दिया है प्रीतम ने। फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को दोस्तों इसी साल के एंड में 30 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा। वैसे दोस्तों फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से सलमान खान का ये लुक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहा है बेल आइकन को भी दबा दीजिए।